इस होली पर बनाएं खस्ता परतदार हलवा स्टाइल मेथी की मठरी। यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा ले रखी है, नाप से आधा किलो, और इसको परातने में पलट ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, क्योंकि हमें हलवा स्टाइल मेथी की मठरी बनानी है तो इसमें मेथी डालना जरूरी है। और बस हाथों से क्रश करके मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। अब स्वाद अनुसार नमक इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा या कम अपने अनुसार आप कर सकते हो, क्योंकि मैदा है थोड़ा सा नमकीन होना ज़रूरी है। तो बस अपने स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पर मैं अजवाइन को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैदा है तो थोड़ा सा पाचन क्रिया के लिए अजवाइन काफ़ी अच्छी रहती है और इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। अब मोयन लगाना है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। और बस काफ़ी अच्छे से दोनों हाथों से रफ करते हुए हमें मोयन को अच्छे से लगाना है। देखिए लड्डू की तरीके से ये मुट्ठी बंद करके बन जाते हैं, यानी कि हमारा मोयन काफ़ी अच्छे से लग गया है। और यहाँ पर मैं भूल गई थी बेकिंग पाउडर डालना, क्योंकि हमें हलवाई स्टाइल बनाना है तो उसमें बेकिंग पाउडर से ये थोड़ा सा फूल जाएगा और परत की परत खुलती जाएंगी। जैसा हम बालूशाही में आटा लगाते हैं, सेम वैसा ही हमको मेथी की मठरी में आटा लगाना है। बस हाथों से रफ करते हुए इस तरीके से गूंदना है। हमें रोटी की आटे की तरीके से इसको नहीं गूंदना है, बस दोनों हाथों से मसलते हुए इसको एक थोड़ा टाइट डो लगाना है इस तरीके से। और बस इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। यहाँ मेरा आटा अच्छे से फूल गया है और वहाँ मैंने गैस पर तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। और बस इसको इस तरह से तोड़ते हुए हमको बेल मतलब डो लगाना है। और एक छोटी सी इसमें से एक आटा लेना है और बस छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं हमें, बिल्कुल गोल नहीं। इसके आसपास देखिए इसके चारों तरफ क्रैक्स बनने लगेंगे देखिए। और बस दो बेलन मारते हुए ये हमारी मठरी तैयार हो गई। आप अगर हथेली से करना चाहो तो आप हथेली से भी कर सकते हो, नहीं तो आप बेल कर भी कर सकते हो। हमको बस इसी तरीके से सारी मठरी हमको बना के रख लेनी है। मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है, इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और इस समय हमको किसी तरीके से कलछी वगैरह को इसमें भी छुलाना नहीं है। जैसे जैसे हमारी मठरी नीचे से मतलब सिकती जाएंगी, वैसे वैसे ही ऊपर की ओर उठती जाएंगी। अपने आप ही सारी मठरियां हमारी ऊपर आ गई हैं, देखिए काफी अच्छे से फूल रही हैं। और आप इसे होली से पहले चाय के साथ आप कभी भी इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। और 10 से 15 दिन यानी कि 15 से 20 दिन आराम से इसे बनाइए और रखकर चाय के साथ इसके साथ एंजॉय करिए, देखिए। और होली पर खासकर बनने वाली जे खस्ता मठरी सभी को पसंद आएगी। और देखिए इस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेकना है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। गई है।